बड़ी खबर आ रही है यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां घर में अचानक आग लगने से बनी दहशत। जी हां, यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत गोविंद नगर कॉलोनी में अचानक आग लगी, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना। बताते चले कि अचानक अली शेर के घर आग लगा, जिसमें गोविंद नगर कॉलोनी के लोगों ने आग का उजाला देखकर अली शेर के घर पहुंचे तो देखा कि छप्पर में आग लग चुका था। गाँव के लोग काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, मगर उस छप्पर में एक भैंस और बकरी की जलकर मौत हो गई। जो सामान रखा था वो भी जल गया, जिसमें गांव के लोगों ने तहसील प्रशासन को सूचना दिया तो क्षेत्रीय लेखपाल ने तुरंत आनन फानन में गोविंद नगर कॉलोनी में पहुंचकर मौके का मुआयना किया तो घटना सत्य मिला, जिसमें चार बकरी एक भैंस का जलकर मौत हुई थी। क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा अली शेर को आश्वासन दिया कि जो भी तहसील से हो सकता है हम मदद करेंगे। देखिए गोविंद नगर से सर्वेश कुमार की यह रिपोर्ट। आपका नाम? अली शेर। किस गाँव से? गोविंद नगर कॉलोनी। आग कैसे लगा? अज्ञात, कोई कारण नहीं है इसका, कैसे लग गया कारण पता नहीं लगा। लमसम कितने बजे? लगभग वही 8:15 8:30 तक। इसमें क्या नुकसान हुआ? इसमें एक बकरी है, चार बकरे हैं, एक भैंसी है, दो अजले बकरी हैं। और कुछ नुकसान? नुकसान यही झाला झोपड़ी सब जल गया। कोई प्रशासन से आया, तहसील से या डॉक्टर से? डॉक्टर आए थे खजुरिया पशु चिकित्सक। तहसील से? तहसील से वो लेखपाल साहब आए हैं और भेजे हैं विनीत को। कोई आश्वासन दिए नहीं? दीजिए अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, सभी लिख कर लेंगे? हाँ, सभी अभी लिख कर लिख चुके हैं। आग लगी जब उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय हम अंदर थे बिस्तर में। अच्छा, देखा तो बच्चे, छोटा बच्चा आया इधर पेशाब करने, वो लौट के गया तो कह रहा पापा भैंसिया घर में तो आग लग गया। आग लगा किसने देखा? बच्चे लगा तो बच्चे बताए जाके घर में कि बच्चे का नाम तो होगा ना? फराज। फराज, फराज। अच्छा, ठीक है। उन्होंने आपको देख कर बताया आग लग? हाँ, आग लग गया। हम दौड़ के आए तो बचाने उचाने में हमारे भी हाथ उठ जल गए, पैर और जल गए। चलिए ठीक।